सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा। अभी देखिए एक और समस्या है, बेंच है ना, बेंच या क्लासरूम, तो वो कैसा है? ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, माने वर्गाकार है या तो आयताकार है, रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, इसमें सभी स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन है। जिंदगी में क्लासरूम को छोड़कर कहीं भी स्ट्रेट लाइन होती नहीं, पूरे जीवन में नहीं है, कहीं बता दो मुझे। झाड़ स्ट्रेट लाइन है, पहाड़ स्ट्रेट लाइन है, नदी स्ट्रेट लाइन है, विहीर स्ट्रेट लाइन है, कैनाल स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है जीवन में, तो आप क्यों जबरदस्ती उसको स्ट्रेट लाइन में फंसा रहे? अच्छा, मैं एक और माहिती देता हूं। हमारे शहरों में बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सब स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं? अच्छा, गांव में कौन सी चीज स्ट्रेट लाइन में? गांव की गली ऐसे ऐसे है ना, है कि नहीं? और मैं आपको माहिती देता हूं कि जो लोग स्ट्रेट लाइन वाले अपार्टमेंट में रहते हैं उनमें कभी भी प्रेम और भाईचारा हो नहीं सकता। और जो ऐसी ऐसी गलियों में रहते हैं वो सभी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। गांव में एक मीटिंग बुलानी है, सब लोग आ जाएंगे आधा घंटे में, शहर में बुला के देखो, और वो भी किसी अपार्टमेंट में बुला के देखो, कोई नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है, हमेशा काटेगी ही। इसलिए स्ट्रेट लाइन में गांव का कोई घर नहीं बनाया जाता। गांव के घर वैसे होते हैं जैसे झाड़ नदी पहाड़ होते हैं। झाड़ टेढ़ा मेढ़ा है, घर भी टेढ़ा मेढ़ा है, नदी टेढ़ी मेढ़ी है, हमारी गांव की गली भी टेढ़ी मेढ़ी है। प्रकृति जैसी है वैसे गांव होते हैं, तो इसलिए गांव में प्रकृति जैसा प्रेम भाईचारा है, और शहर जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए दुनिया के हर शहर में मारामारी और काटा काटी सबसे ज्यादा, और गांव में प्रेम और सद्भाव सबसे ज्यादा। तो हम बच्चे को कहां भेज रहे हैं? क्लासरूम में, वो स्ट्रेट लाइन है, सत्यानाश हो रहा है उसका। और रोज 6 घंटे मार मार के बिठा रहा है, चुप बैठ, बात मत कर, इसको मत दे, उसको मत दे, उसके लिए आपने जेल बना दिया, स्कूल नहीं है, जेल है। और जब छुट्टी होती है ना, कैसे भागते हैं बच्चे, जैसे जेल से छूटे। पूछो ना इन बच्चों को, क्योंकि उनको 6 घंटे त्रासदायक आपने पकड़ के रखा है। बेचारे वो बैठना नहीं चाहते, वो तो खेलना कूदना उछलना सब उनका काम वही है, आपने पकड़ के बिठा लिया, फिर 6 घंटे बाद टन 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 घंटी ऐसा तेज भागेंगे जैसे जेल में से भागेंगे। और किसी भी बच्चे के दिल को पूछो कल शाला जाने का है? नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? त्रास है उसको, मानसिक त्रास है। आप घर में देखो, बच्चे स्वतंत्र हैं, खेल कूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं, सो जाते हैं, खा लेते पी लेते, ऐसी ही शाला होनी चाहिए जैसा घर है, तब तो वो जाएंगे, नहीं तो थोड़े दिन के बाद चोर होके वापस आएंगे। फिर आप बोलेंगे कि जो बोर नहीं हुआ वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप क्लासरूम में बैठ गया, टीचर ने जैसा कहा उसने लिख लिया। आप कहेंगे बड़ा अनुशासन वाला है, बहुत होशियार है, सत्यानाश उसका हो गया दिमाग का, आप कह रहे हैं बड़ा होशियार है। बच्चों का स्वभाव बिल्कुल वैसा होता है जैसे गाय के बछड़े का, गाय का बछड़ा है ना, आप उसको बांध के रखो कितना त्रास है उसको, और छोड़ के रखो कितना खुशी से इधर भागेगा उधर भागेगा, फिर अपनी आई के पास वापस आ जाएगा, फिर भाग के जाएगा, फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं।
वो भागेंगे दौड़ेंगे, फिर आई के पास आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। ये जो उनका विकास है, ये जीवन का सबसे बड़ा काम है। ये स्कूल नहीं दे सकता, ये घर में हो सकता है थोड़ा, नहीं तो गुरुकुल में हो सकता है। ऐसा गुरुकुल जहां डिग्री के लिए नहीं पढ़ाया जाता, तो वैसा गुरुकुल बन जाए। ऐसा मैं इन लोगों से कई साल से बोल रहा हूं, करवड़ी में कर लो, थोड़ी बहुत जगह है, थोड़ी बहुत और ले लो, सब लोग 10-10% अपने पैसे निकालो, क्योंकि ज्यादा पैसे अपने लिए नहीं रखना, हाँ अच्छा नहीं है। देखो, ज्यादा पैसे अपने लिए रखोगे तो पाप होगा और पाप के भागीदार आप सब। अपने लिए कम से कम रखना, समाज के लिए ज्यादा रखना। तो गुरुकुल बना लो, अच्छे से बना लो, मैं उसमें टीचर हो जाऊंगा और आपको टीचर बनाऊंगा, फिर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर एक गुरुकुल से दो, दो से पांच, पांच से दस, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में खोल देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, सब स्कूल बंद हो जाएंगे। हमारे गुरुकुल अगर शुरू हो गए तो सब शाला बंद हो जाएगी, क्योंकि बच्चे सब भागकर यहीं आएंगे। वो अपने आई बाबा को कहेंगे वहां जाने का, क्योंकि वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई है। पढ़ाई माने सीखना, ज्ञान लेना, और उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का माने ये नहीं है ABCD, पढ़ाई का माने ये नहीं है काका गावा, ये तो अक्षर ज्ञान है, इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान जो जीवन को चलाने के लिए उपयोगी है, वो पढ़ाई का हिस्सा है। तो वैसा एक करें तो सही शिक्षा इनको मिले। ऐसी ही शिक्षा में राम कृष्ण पढ़े थे। राम को पता है गुरुकुल में ही गए, कृष्ण भी गुरुकुल में गए, और कृष्ण और राम के बाद के सारे हिंदुस्तान के महान लोग गुरुकुलों से ही निकले। तो गुरुकुलों से निकले हैं इतने सारे महान लोग, तो आगे फिर निकलेंगे, क्योंकि वहां ज्ञान आधारित पढ़ाई थी, डिग्री आधारित पढ़ाई हमारे देश में कभी रही नहीं। ये अंग्रेजों के यहाँ थी डिग्री आधारित पढ़ाई, वो जब भारत में आए तो उन्होंने वो ही पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर दी। अब वो चले गए, हमने वो आज तक बदली नहीं है, वो वैसे ही चल गए। तो आपके छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप ऐसे ही अभ्यास कराइए जैसी मैं माहिती दे रहा हूँ। जबरदस्ती शाला भेज के अभ्यास करा के कुछ लाभ नहीं है। वो कभी कहें शाला नहीं जाने का, तो बोलिए ठीक है नहीं जाने का, घर में रहने का, क्या करना है शाला। उनको प्रोत्साहित करने का, अभी वो शाला नहीं जाएंगे तो आई बाबा मार मार के उनको शाला भेज के आएंगे। क्यों नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा। अरे पास होके क्या करने वाला है, जो फेल होने से आप डर रहे हैं, कभी मत डरिए। मेरा तो ये मानना है जो बच्चे फेल हो गए वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनका दिमाग खराब नहीं हुआ अभी। जो हाँ, जिनको 100% नंबर आ गया वो तो बिल्कुल गए, किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो तो x+y² ही पढ़ेंगे, उनको बाकी कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए फेल होने से घबराइए मत, ज्यादा पास होने का दबाव डालिए मत, ज्यादा अंक लाने का दबाव डालिए मत, क्योंकि नंबर से डिग्री से दुनिया में कभी भी कुछ हुआ नहीं, आगे भी होगा नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा अभी हो गया। अभी मुझे जो है एक व्याख्यान में जाना है पलटन, अभी 7 बज गया है, ज्यादा देर में अब नहीं रुक सकता, वो दे दूंगा। आप देखें वायु का भी स्पर्श कर सके, आकाश हमेशा दिखे और वायु का स्पर्श होता रहे, मिट्टी पर हम बैठे रहे, तो 3 तत्व तो हो गए कि नहीं। अग्नि की जरूरत होगी तो आ जाएगी। 3 तत्व तो जीवन में हमेशा रहने चाहिए, आकाश, पृथ्वी और पवन वायु। ये 3 के स्पर्श में रहकर जो पढ़ेगा वो ही सही ज्ञान ले पाए। मिशनरी से भी जाति आवश्यक है। कोई कहेगा ज्ञानेश्वरी तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन अभी पोट का दर्द है, ये मिटाओ मेरा पहले, तब ज्ञानेश्वरी पढ़ूंगा मैं। तो माने क्या है, एक्सपर्ट बने तो एक ही विषय तक सीमित हो जाएगा, इसलिए एक्सपर्ट बनाने की कोशिश मत करिए। कोशिश ये करिए कि थोड़ा थोड़ा उसको सभी विषय की माहिती हो, थोड़ी थोड़ी, चिकित्सा की भी हो, ज्ञानेश्वरी की भी हो, धर्म की भी हो, अध्यात्म की भी हो, भारत की हो, विदेश की हो, थोड़ी थोड़ी माहिती, क्योंकि जिंदगी उन सब माहिती से मिलकर ही चलती है। ठीक है, और पंडित की हमेशा जरूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे ज्ञान की बहुत जरूरत है। तो एक्सपर्ट बनाने की कोशिश अपने बच्चों को मत करिए। साधारण ज्ञान, जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज, वो उनको रहे,
सभी विषय की रहे तो वो ज़्यादा उपयोगी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप राजू दीक्षित जी का वीडियो पूरी तरह अच्छे से सुने होंगे। राजू दीक्षित जी का वीडियो आप लोग प्रतिदिन 2 से 3 मिनट ज़रूर देखा करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।